नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। वैसे तो आपने देखा होगा कि देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो और या फिर किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव हो, जब भी चुनाव आते हैं तो अक्सर टिकट के लालच में जो नेता होते हैं वो अपनी ही पार्टी को छोड़कर, अपनी ही पार्टी से बगावत कर या तो दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं और या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन मैं बात यहाँ कर रहा हूँ झारखंड की। झारखंड इसलिए क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से किनारा कर, अपनी ही पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टियों में जाकर टिकट लेकर और उसके बाद बगावती तेवर अपनाते हुए उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। आखिर ऐसा क्या है झारखंड में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो या तो अपनी पार्टी को छोड़ दे रहे हैं और या फिर टिकट ना मिलने की वजह से बगावत कर रहे हैं। आज यही समझाने के लिए मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और इस रिपोर्ट के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी वो वजहें हैं, कौन कौन से वो नेता हैं जिन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और उसके दरमियान अपनी पार्टी से बगावत की और दूसरी पार्टियों से चुनाव मैदान में मौजूद हैं। झारखंड में अगर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ JMM, JVM और आजसू, ये तीन प्रमुख पार्टियां हैं जो झारखंड से निकलकर बाहर आती हैं। और वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो RJD और JDU भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन पिछले बार के विधानसभा चुनाव से इस बार के विधानसभा चुनाव में कई बदलाव हुए हैं। मसलन बीजेपी के साथ पिछले यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस, RJD और इसके साथ साथ JMM एक साथ मिलकर यानी महागठबंधन के तौर पर अलग अलग जगहों से अलग अलग सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। यानी 2014 से इस बार की राजनीतिक परिस्थितियों में कई बदलाव और कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। एक ओर जहाँ बीजेपी पहले से राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है उन्होंने महागठबंधन अपनाकर बीजेपी और इस समय की सत्ताधारी पार्टी को एक तरीके से घेरने की भी कोशिश की है। देखिए, यहाँ पर बात हम दल बदल की कर रहे थे, बात हम उन नेताओं के बारे में कर रहे थे जिन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर टिकट के लालच में दूसरी पार्टियों का दामन थामा। अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा हूँ और आपके समझने के लिए ये आंकड़ा शायद सबसे मुफीद होगा। यहाँ पर एक आंकड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में जिन विधायकों ने किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा था, अब वो किस पार्टी में हैं। मैं क्षेत्रवार तरीके से आपको कुछ एक नाम गिनवाता हूँ और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। विधानसभा क्षेत्र है हटिया, विधायक का नाम है नवीन जायसवाल। पिछली बार इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा यानी JVM से चुनाव लड़ा, तो इस बार इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दूसरी सीट की अगर बात करें तो सिमरिया है, गणेश गंजू यहां से विधायक थे JVM से और इस बार इन्होंने भाजपा का दामन थामा। इसके साथ सारठ की बात करें तो रंजीत सिंह हैं, JVM से थे, भाजपा का दामन थाम लिया। दूसरी बात अगर करें तो हुसैनाबाद, शिव पूजन मेहता बसपा के विधायक थे और आजसू का दामन थाम लिया। एक और आंकड़ा है जिसमें लिखा गया है कि घाटशिला के प्रदीप कुमार बलमुचू कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने आजसू का दामन थाम लिया। अब इसी के साथ साथ अगर चक्रधरपुर की बात करें तो शशिभूषण समद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे और इस बार इन्होंने JVM का दामन थाम लिया। ये कुछ एक आंकड़े हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उनका दल बदल हो रहा है, वो दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। और इसमें कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी अपनी ही पार्टी का पूरे प्रदेश के स्तर पर नेतृत्व किया था। इसमें से कांग्रेस के ज़्यादा और बीजेपी के एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था और इस बार वो दूसरी पार्टी में टिकट की उम्मीद लगाकर चुनाव मैदान में हैं। देखिए, बात अगर हम झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक परिस्थितियां किस कदर बदली हैं, अगर ये समझना हो तो इसी कड़ी में एक और नाम जोड़ लीजिए। झारखंड सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे सरयू राय, जो हमेशा बीजेपी की टिकट से जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ते थे। इस बार टिकट ना मिलने की वजह से जमशेदपुर पूर्व, जो कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीट है, उस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि झारखंड की सबसे चर्चित सीट यही होने वाली है तो शायद गलत नहीं होगा। झारखंड के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ
और 19 सालों में ये पहली ऐसी सरकार है जिसने पूरे 5 साल तक शासन किया। इससे 2014 से ठीक पहले जितनी भी सरकारें आई हैं वो कुछ एक महीनों और सालों तक ही सीमित थी। बात अगर दल बदल की हो रही है तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दरमियान अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि क्या जो नेता उनके पास हैं वो उनके मुद्दों के साथ हैं या फिर पार्टी और टिकट और पद के लालच में जनता के बीच में जा रहे हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।